दोस्तों, मैं हूं जमील खान, कराची पाकिस्तान से। अब्दुल मुईद आए हमारे साथ और उनकी कोच रोमा आई है। अब्दुल मुईद भाई की मैंने एक वीडियो देखी थी और मैंने फिर हौसला अफजाई के लिए इनको बुलाया यहाँ पर, और ये हमारे पाकिस्तान के लेजेंड हैं, एथलीट हैं। इससे कुछ सवाल पूछेंगे। अब्दुल मुईद भाई, आपकी जो जर्नी है उसके बारे में मुख्तसर सा ज़रा बताएँ। देखिए, मैं अब्दुल मुईद है और मैं एक छोटे से इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, करीमज पाड़ा उसका नाम है। और बाकी 2015 से मैंने स्टार्ट किया था। अभी अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है और देखें कौन बहुत सारे लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं और मुझे। अच्छा, आपने मतलब एथलीट आपने किया, आपने कौन से मेडल्स लिए हैं, ज़रा इस बारे में बताएं मुझे। देखिए, मैं पाकिस्तान का 400 मीटर में सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। अच्छा। और मैं शुरू में क्या कहते हैं, श्रीलंका गया हुआ था इंटरनेशनली, मैंने पाकिस्तान को प्रेजेंट किया हुआ था वहाँ पर। श्रीलंका में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल वहाँ पे मैंने पाकिस्तान के लिए लिया था। उसके बाद रिसेंटली अभी नेपाल में सेक गेम हुए थे, वहाँ मैं गया था मैंने, वो भी पाकिस्तान के लिए, वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। अच्छा, इनकी कोच है रोमा से, मैं हम बात करते हैं। मैडम, ये मुझे बताएं कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से आप क्या दरख्वास्त करती हैं कि ये जो हमारा छुपा हुआ हीरा है, हमारे मुल्क का एक हीरा है और लेजेंड, मेरी नज़र में तो ये लेजेंड है, ठीक है, अभी से ये लेजेंड है और इन फ्यूचर इंशाल्लाह गोल्ड मेडल लेकर आएंगे हमारे मुल्क के लिए। आप बताएँगे वफाकी और सूबाई हुकूमत से आप क्या दरख्वास्त करना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों से ही दरख्वास्त है कि जब तक स्पोर्ट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये बजट और फाइनेंशियली इनको फाइनेंशियल एड इनको नहीं देंगे, और ज़ाहिर है ये अपनी स्पोर्ट्स पे फोकस नहीं कर सकते, तो इनको सपोर्ट करें, हर तरीके से फैसिलिटेट करें, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। हमें यहाँ स्पेशली सिंध में, कराची में ट्रैक की ज़रूरत है, तो हमें एक जगह दें, हमें ट्रैक दें ताकि हम ऐसे एथलीट्स को प्रोफेशनल लेवल पर ट्रेनिंग करवा कर हम इनको इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करवा सकें। बिलावल भुट्टो से हम दरख्वास्त करेंगे और इमरान खान से हम दरख्वास्त करेंगे। सिंध से ताल्लुक है इनका, सिंध का ये नौजवान है और बहुत बड़े ख्वाब हैं इसके, और इनके ख्वाब के साथ हम सब के ख्वाब हैं, क्योंकि ये अगर गोल्ड मेडल लेके आएंगे तो ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो साहब से और वज़ीर आला सिंध से हम अपील करेंगे कि इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, इन्हें जॉब्स दें, इन्हें ट्रैक फ्राहम करें, और इमरान खान ख़ुद भी स्पोर्ट्समैन है और उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि वो ख़ास तौर पर तवज्जो दें ऐसे नौजवानों पर जो छुपे हुए हीरे, जो हमारे मुल्क के लेजेंड हैं। एक छोटी सी बात, अब तक आपने मेडल जीता, उसके बाद हुकूमत की तरफ से किसी ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की या कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट या किसी भी तरह से, इस बारे में ज़रा बताएं। देखिए, मैं एक सिंध का बच्चा हूँ, तो मैं सबसे पहले तो उन लोगों से उनको बोलना चाहूँगा कि सिंध से मैं वाइड एथलीट हूँ, जो मैं सेफ गेम के लिए खेलने के लिए गया हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करने गया हूँ, और परफॉर्म नहीं बल्कि मैंने पाकिस्तान के लिए वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया। तो उनको चाहिए कि वो मुझे आके अप्रिशिएट करें, मुझे बुलाएं, मुझे जो भी उनसे हो सके मेरे लिए वो करें। चलें दोस्तों, वीडियो को शेयर करें और हम भी कोशिश करेंगे आपके लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसे नौजवान बाहर मुल्क शरीयत ले के अपना पाकिस्तान छोड़ के वो उन पर खर्च करें और वो ये उनके लिए मेडल हासिल करें। हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान का सपूत है, हमारे पाकिस्तान का बच्चा है, हमारे पाकिस्तान का नौजवान है, और ये नौजवानों की एक होप है। और बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखें। और हमारे पास एक और कोच भी है, वली भाई, आप सॉरी आपका इंट्रोडक्शन। जी, अहमद वली, मैं मोहित का एथलेटिक कोच हूँ, ट्रैक कोच, और बाकी मेहनत कर रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।